भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हमारा अखबार पढ़िए, इसमें आपके मोहल्ले की ताजी खबरें छपी हैं। ये लीजिए, आपके मोहल्ले की समस्या इस अखबार में, पढ़िए पढ़िए। आपके मोहल्ले की समस्या इस अखबार में, ये अखबार खरीदिए। आपके मोहल्ले की समस्या इस अखबार में, पढ़िए। संघर्ष है जीवन, जीवन चलने का नाम, इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम, इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। कल से अखबार ज्यादा बिके, ये शुभ संकेत है। और मेहनत से अगर लोगों की समस्याओं पर बातें करेंगे तो और बिकेंगे। अब घर चलते हैं और हम सब लोग लोगों से जाकर मिलते हैं और सबसे कहते हैं कि पढ़ाई शुरू करो। किससे कहेंगे कि पढ़ाई शुरू करो? दीपक, अभी तो उन लोगों से कहेंगे जो लोग कामकाजी हैं, जो लोग दिन भर अपने जीवन की उलझनों में उलझे हुए रहते हैं, उनको कहेंगे। लेकिन पढ़ाई का कौन? अब मर्दों को मैं, सेठ जी, शिशुपाल जी, हम पढ़ाएंगे और स्त्रियों को रमा और श्यामला। और पढ़ाएंगे कहाँ? पढ़ने के लिए जब लोग मिल जाएंगे तब जगह भी अपने आप मिल ही जाएगी। मगर ये फैसला कब हुआ और कैसे हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ। रात में शोभा काकी को देखा मैंने, अखबार पढ़ने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्या लिखा है इसमें, काश मैं पढ़ पाती। और तुम आए और तुमने कहा कि आई आप पढ़िए, आपको पढ़ना चाहिए, आप पढ़ सकती हैं। आई पढ़ना चाहती है तो पढ़िए ना। तभी जाकर मुझे ऐसा लगा कि हमें लोगों को पढ़ाना शुरू करना चाहिए। आई को जाकर बताता हूँ, सुनकर खुश हो जाएंगी। भीम, हमारे अखबार अगर कल से ज्यादा बिके हैं तो जाहिर है कि मेघनाथ जी के अखबार कम बिके होंगे और इस बात को लेकर वो बहुत गुस्से में होंगे। कैसे? बोल कैसे? बोल साहब, हम क्या करें? लोग कहते हैं कि भीमराव के अखबार में उनसे जुड़ी सारी समस्याओं के बारे में लिखा रहता है, इसलिए हमारा अखबार लोग नहीं खरीदते। बकवास नहीं, फालतू की बकवास नहीं सुननी मुझे। कैसे भी बेच, पर मेरा अखबार बिकना चाहिए। ठीक है साहब। मेघनाथ जी, तरीका मैं बताऊं कि आप कैसे अखबार बेच सकते हैं? जैसे मेरे पति ने कुछ लोगों की समस्याओं पर बात की, वैसे आप भी लोगों की समस्याओं पर कुछ लिखिए, तो हम दोनों मिलकर अखबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं पर बात करेंगे, तो आपका भी अखबार बिकेगा और हमारा भी अखबार बिकेगा। ज्ञान दे के हो गया, अब जाओ यहां से। नहीं,
एक और बात, ये जो लोग अखबार बस बेचने गए थे वो सब अगर अखबार पढ़ने भी लगे तो बाबा कम से कम 4-6 अखबार खरीदने वाले तो मिल ही जाएंगे। ओ शिशुपाल, मजाक चल रहा है यहाँ क्या है? ये सब लोग पढ़े लिखे हैं है? नहीं बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। और मैं, भीम, रमा, श्यामला, अब हम हर बिरादरी के महिला पुरुष के पढ़ने की व्यवस्था करेंगे। हाँ, प्रौढ़ शिक्षा अभियान के तहत। क्या 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 बोले वो? प्रौढ़ शिक्षा। मतलब अब बूढ़े तोतों को रटना सिखाया जाएगा। बाबा, यहाँ आपको हंसी आ रही है, और यही बात दीपक जब अपनी आई शोभा से कहेगा ना तो उसे रोना आएगा। कोशिश कर रही थी ना, उसे देखकर भीम भैया ने आप जैसे बड़े लोगों को, हर बिरादरी के लोगों को पढ़ाने का निश्चय किया है ताकि आप भी पढ़ सके। आई भीम, भीम पढ़ाएगा? हाँ आई, बेवकूफ है वो शोभा, इसलिए रो रही होगी। पर बात तुम लोग ये मजाक उड़ाने वाली कर रहे हो। और जो तुम लोग सोच रहे हो ना, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे एक आदमी नहीं आएगा पढ़ने के लिए। आप सब इतने जल्दी नतीजे पर क्यों पहुंच जाते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि आप जैसे हंसने वाले लोग ज्यादा होंगे, लेकिन शोभा का की जैसे भी लोग होंगे जिनकी भावनाओं से ये बात जुड़ जाएगी। और जहां संकल्प किसी भावनाओं से जुड़ जाए ना, तो वहां सफलता मिलनी ही है, और हम सबको भी सफलता मिल जाएगी। और इसकी सफलता मिली ना तो बाबा, भीम और रमा के संयुक्त प्रयासों से एक बड़ी क्रांति होगी जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे, सोचने का समय भी नहीं है। चलो जाओ यहां से। और रमा भाई, ये राह चलते ना फालतू की सलाह मत दिया करो किसी को, जाओ। सही सलाह देना पुण्य का काम होता है, और ये मैंने अपने पति से सीखा है, और सही सलाह तो देती रहूंगी। जी मेघनाथ जी, तुम सब अभी ऊंची बिरादरी के मोहल्ले में जाओ और उन सबको पहले से आगाह कर दो कि ये सब फिर से आएंगे नया झुंझुना लेकर पढ़ाई लिखाई का, समझ रहे हो ना? तो वो सब सतर्क रहें और इनसे बचें, ठीक है जी? चलो जा। और तुम लोग जाओ, चलो।
ला रहे हैं ना ये सब, इन सबको खामोश करने के लिए इनके महानायक को ही मारना पड़ेगा। अगर हाथ खून से लाल करके ही सब सही होगा तो वही सही। भीम, भीम इतना सोचता है सबके लिए कि वो मुझे देखकर बाकियों को भी पढ़ाने की बात करने लगा। ए शोभा, शोभा कहाँ जा रही है? अब भीम सबको पढ़ाएगा? लो सुन लो, ए जनार्दन भाऊ, मनोहर भाऊ, आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ आओ, आओ बुआ जी, आप भी आओ, सब जने आओ। लो सुन लो, अब भीमराव हर बिरादरी के बूढ़े बूढ़े लोगों को पढ़ाएगा। हाँ, अब वो तो करबे करेगा। अरे करना पड़ेगा, वो कहा है ना कि कौनो नया नाटक शुरू करेगा तब तो उसका मन लगेगा। हाँ तो पढ़ाए, हम किसी को पढ़ने नहीं देंगे। अजीब आदमी हो, अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो उसमें बुरा क्या है? अरे काहे कि हम देखे हैं कि पढ़ लिख के आदमी भीमराव बन जाता है, और कौनो भीमराव बन जाए वो जीवन के सबसे बड़ी त्रासदी है। अगर ऐसा है तो मुझे पढ़ लिख कर भीमराव बन जाना मंजूर है। शोभा, ज्यादा भावुक मत हो और गुस्सा भी मत कर। इन लोगों को जो करना है करने दो, तुम सब अपना अपना काम करो। भुलिया तू परेशान मत हो, अरे कहने से क्या होगा, कोई नहीं आएगा पढ़ने इनके पास। इस दुनियादारी, गरीबी, भुखमरी के समय किसे किताब कॉपी लेकर भीम रमा का प्रवचन सुनना है, है? देखना कोई नहीं आएगा पढ़ने। मैंने बाबा से कह दिया है, और जितना मैं बाबा को जानता हूँ वो अपने लोगों को भेजकर ऊंची बिरादरी के लोगों तक ये बात जरूर पहुंचा देंगे कि भीम शिशुपाल पढ़ाने की बात करने आएंगे तो उनकी बात मत मानना। कोई अगर आपसे पढ़ने की बात करेगा तो उसे मारकर भगाइए। साजिश है ये सबको पढ़ाकर अपना गुलाम बनाने की। मैं यही चाहता था शिशुपाल जी, कि हमारे वहां पहुंचने से पहले उन सबको ये पता चले कि हम क्या करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोग उनसे बात करने जाएंगे तो वो लोग मार के भगा देंगे। नहीं नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस विषय को लेकर वो लोग आपस में बातें करेंगे, फिर इस चीज को लेकर उनके मन में, दिमाग में धारणाएं बनेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो धारणाएं बनने दीजिए। चलिए घर चलते हैं। सुनिए, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। आज से मैं और श्यामला दीदी हम दोनों स्त्रियों को पढ़ाएंगे, और मेरे पति भीमराव और शिशुपाल जी वो दोनों पुरुषों को पढ़ाएंगे। तो अगर आप में से किसी को भी पढ़ना है तो आप बताइए, और पढ़ने के लिए पैसे नहीं लगेंगे। बस यहाँ से छूटने के बाद घर पे खाना पीना खाने के बाद रात्रि में पढ़ाई होगी। हाँ, आप सब सोच समझ कर जवाब दीजिएगा।
मिल गया जवाब कि तू पागल है, बेवकूफ है। अरे काम कर कर थका हुआ घर जाऊंगा तो खाकर सोऊंगा कि पढ़ूंगा? लेकिन पढ़ना जरूरी ही क्यों है, अभी उसका क्या काम? ए रमा, तू अपना काम कर, और जब पढ़ लिख कर यही काम ही करना है तो फिर पढ़ना ही क्यों? हाँ, सही बात है। ये नया नाटक शुरू किया है ना, देख लेना, कोई भी एक नहीं मिलेगा पढ़ने वाला। मैं और रमा इस समाज में हर बिरादरी की, हर जगह की बनी मजबूत से मजबूत दीवार को तोड़ेंगे और एक ऐसी क्यारी बनाएंगे जिससे शिक्षा का प्रवाह हो सके। क्यों रमा, पढ़ाओगे ना मेरे साथ? बिल्कुल। मर्दों को मैं, सेठ जी, शिशुपाल जी, हम पढ़ाएंगे, और स्त्रियों को रमा और श्यामल। और पढ़ाएंगे कहाँ? पढ़ने के लिए जब लोग मिल जाएंगे तब जगह भी अपने आप मिल ही जाएगी। भीम भैया आईने दिया है। भीम भैया एक सवाल है। क्या? भीम भैया आपने कहा था कि आप और शिशुपाल जी दोनों पुरुषों को पढ़ाएंगे और रमा ताई और श्यामला ताई दोनों महिलाओं को पढ़ाएंगी, तो क्या बंटवारा पुरुष और स्त्री में ही होगा? और सारी बिरादरी के पुरुष एक जगह आएंगे क्या? और सारी बिरादरी की महिलाएं एक जगह पढ़ेंगी क्या? भीम, वैसे तो ये सवाल मेरे मन में भी है कि ऊंची बिरादरी के लोग रमा और श्यामला से पढ़ने क्यों आएंगे? दीपक, बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य बहुत बड़े होने के साथ साथ उसके कल्पना में बारीकियों का भी ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही लोग क्यों ना पढ़े, लेकिन जब वो दो अलग अलग बिरादरी के लोग एक ही जगह पर आकर पढ़ेंगे तब वो सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि एक दूसरे को समझेंगे, और साथ आने पर साथ रहने की इच्छा पैदा होती है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। वो सब ठीक है, लेकिन लोग कहां से लाओगे? मैं सोच रहा हूं कि आज रात से ही अलग अलग मोहल्लों में जाकर लोगों से मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा। दो चार दिन भी अगर ऐसा कर लूंगा तो शायद कुछ लोग तैयार हो ही जाएंगे। अच्छा, तो योजना है रात में लालटेन लगे द्वारे द्वारे घूमेगा। अच्छा, द्वारे द्वारे लालटेन लेकर घूमेगा वो। ऐसा करो, उन्हीं द्वारों के बीच में ना मार के फेंक देना उसे, सारा किस्सा ही खत्म। आज की रात उस भीमराव के नौटंकियों की आखिरी रात होगी। सेठ जी, शिशुपाल जी, श्यामला, आप तीनों ऊंची बिरादरी की बस्तियों में जाइए और बाकी हम सब छोटी बिरादरी की बस्तियों में जाएंगे। ठीक है। जाओ भीमराव जाओ, लेकिन लौट के नहीं आ पाओगे। चलिए चलते हैं, और ये मानकर चलिए कि कई बार
हाथ में रोशनी हो, रास्ता सामने दिख रहा हो, फिर भी मंजिल बहुत दूर मिलती है। हमें मंजिल चाहे जितनी दूर मिले, हमें चलते रहना होगा। हाँ 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 हमें चलते रहना होगा। चलिए।